इस लेक्चर में FCMA लेबर कॉस्टिंग MTQs का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 मार्क्स का ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इस लेक्चर को करने से पहले जो है मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी लेबर कॉस्टिंग की ही, जो कि क्वेश्चन 2 था। वो काइंड ऑफ सिमिलर बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा डिटेल था ये क्वेश्चन, तो उससे थोड़ा सा आसान मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन है। तो अगर इसका डिटेल वर्जन भी समझना है तो वो क्वेश्चन 2 करके मैंने एक लेबर कॉस्टिंग का डाला हुआ है MTQ प्रैक्टिस करके, तो उसको देख सकते हैं। तो खैर, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले मैं ये समझा दूं कि लेबर को किस किस तरीके से हम पे करते हैं। लेबर को हम 3 तरीके से पे करते हैं। बेसिक वेजेस दे रहे होते हैं, एक उसको ओवर टाइम का प्रीमियम दे रहे होते हैं, और एक उसको बोनस हम दे रहे होते हैं। तो अब करना क्या है क्वेश्चन में कि इस चीज को समझना है, आपने फोकस करना है कि ये कैसे हम पे कर रहे होते हैं। फिर क्या होगा, अगर ये चीज समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन चाहे जितना भी डिफिकल्ट आए वो इजीली टैकल कर सकते हैं। उसको सारी चीजें पता होंगी, कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कैसे हो रहा है ना। तो बेसिक वेजेस में जितने आवर्स लेबर ने काम किया उसका एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, तो अमाउंट आ जाती है। रेट को आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट आ जाती है। फिर कुछ क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट आवर्स और इनडायरेक्ट आवर्स अलग अलग करके दिए हुए होते हैं। वो इसलिए दिए हुए होते हैं क्योंकि अगर एंट्रीज मांगी नहीं है तो डायरेक्ट आवर्स जो होते हैं वो तो वर्क इन प्रोसेस में जाके चार्ज हो जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट आवर्स होते हैं वो FOH में जाते हैं। तो इसलिए इसको हमें अलग करना पड़ जाता है। फिर बेसिक वेजेस के बाद जो चीज़ होती है वो ओवर टाइम होता है। हम लेबर को उसको अगर वो ओवर टाइम कुछ कर रहे हैं, ओवर टाइम आवर्स कुछ लगा रहे हैं कंपनी में, तो उसका हम पे करते हैं। अब ओवर टाइम किस तरह से कैलकुलेट होगा, जो उसने एक्चुअल आवर्स काम किया है, ठीक है, और जो कंपनी ने एक नॉर्मल आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स सेट किए थे उनका जो डिफरेंस होगा, जो एक्चुअल आवर्स काम किए और जो कंपनी ने स्टैंडर्ड आवर्स डिसाइड किए थे उनका जो डिफरेंस जो टाइम आ रहा होगा वो हम ओवर टाइम पे करेंगे। उसका भी एक रेट डिसाइड हो जाएगा तो अमाउंट आ जाएगी। फिर आती है बोनस की कैलकुलेशन। बोनस जो है, बोनस हम आवर्स सेव्ड की बेस पे कर रहे होते हैं बोनस। तो आवर्स सेव्ड कैसे निकलेंगे उसकी ये कैलकुलेशन है कि एक्सपेक्टेड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट को हम कंपेयर कराते हैं एक्चुअल आवर्स से, तो हमारे पास आवर्स सेव्ड आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि किस तरह से निकलते हैं एक्सपेक्टेड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट। लेकिन अभी क्या है कि एक्सपेक्टेड आवर्स को एक्चुअल आवर्स से कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास आवर्स सेव्ड आ जाएंगे। आवर्स सेव्ड यहाँ पे रखेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, अमाउंट आ जाएगी। फिर जो भी ये सारी हमारी टोटल लेबर की वेजेस बनेगी, टोटल अमाउंट बनेगी, अगर क्वेश्चन में बताया है कि भाई पर यूनिट हमें चाहिए तो यूनिट से डिवाइड करा देंगे, और अगर क्वेश्चन में बताया कि पर आर का रेट चाहिए तो आर से डिवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास पर यूनिट या पर आर का हमारे पास रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक आसान सी लेबर की कैलकुलेशन चल रही होती है, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाती है अगर ये चीजें नहीं पता होती। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती ही इसी चीज में कि एक्सपेक्टेड आर्स किस तरह से निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकमल ब्रदर प्रोड्यूसर बाइसाइकिल्स, द कंपनी हैज रिसेंटली इनिशिएटेड 100% बोनस प्लान विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेट एट 50 बाइसाइकिल पर आर। 50 बाइसाइकिल पर आर मतलब 50 यूनिट्स बना रहे हैं, बाइसाइकिल को यूनिट्स रखते हैं, 50 यूनिट्स बना रहे हैं, 50 यूनिट्स पर आर, ठीक है, 1 घंटे में 50 यूनिट बना रहे हैं। उसके बाद द कंपनी एम्प्लॉयज 10 वर्कर्स ऑन एन 8 आवर शिफ्ट एट ₹100 पर आवर। तो कंपनी ने 10 वर्कर को हायर किया है और हर दिन जो है वो 8 घंटे का काम ले रहे हैं उनसे, और ₹100 पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक अंडर 100% बोनस प्लान इज एज अंडर। तो मंडे को 4,000 यूनिट्स बने, ट्यूजडे को 4,500 बने हैं, वेडनेसडे को 4,600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, एक्चुअल यूनिट्स जो के प्रोड्यूस हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्ट इन अप्रेजल द रिजल्ट ऑफ न्यू इंसेंटिव वेज प्लान। कैलकुलेट करना है हमने एम्प्लॉयज अर्निंग बाय शोइंग टोटल लेबर, मतलब ये टोटल अमाउंट, एंड यूनिट लेबर कॉस्ट, और ये जो यूनिट अमाउंट आती है ये भी, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए। अब ये एक दिन की मैंने बनाई हुई है, अगर 3 दिन का कैलकुलेशन आ जाती है तो उसको वर्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 दिन की कैलकुलेशन हमसे बोला है। डेज कितने हैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट थे, जो यहाँ पे फिगर फाइंड करनी थी, उसको मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ रखता हूँ इसको। एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट
किस तरह से निकलेंगे। और फिर ये जो एक्चुअल आर्स की फिगर यहाँ आनी थी, इसको भी मैं 3 दिन के लिए फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ मैं एक्चुअल आर्स, सही है। और यहाँ जो ये आर्स सेव जो एक आना था वो 3 दिन के आएंगे, अब आर्स सेव सही हो गया। तो अब देखते हैं, एक्सपेक्टेड आर्स हैं और एक्चुअल आर्स हैं। तो क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ते हैं, द कंपनी एम्प्लॉयज 10 वर्कर्स ऑन एन 8 आवर शिफ्ट, हर दिन जो है वो 8 घंटे काम हो रहा है, हर दिन जो है वो 8 घंटे काम हो रहा है, और कितने वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैं, 8 दिन काम हो रहा है और 10 वर्कर्स हैं, यहाँ पे भी 8 दिन काम हो रहा है, 10 वर्कर्स हैं, तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे 3 दिनों के। ये हमारे पास 3 दिन के आवर्स आ गए, टोटल आवर्स आ गए। ये 240 कैसे आए, मैंने 3 दिनों के आवर्स को एड कर दिया तो 240 आवर्स आ गए, मतलब ये जो एक्चुअल आवर्स की अमाउंट चाहिए होती है वो हमारे पास आ गई 240 की। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड आवर्स की अमाउंट। एक्सपेक्टेड आवर्स की अमाउंट किस तरह से निकलेगी, या तो यूनिट्स दिए हुए होंगे, ये दिए हुए यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, उसको हमने पर यूनिट आवर्स से मल्टीप्लाई कराना है, या एक दूसरा तरीका है कि यूनिट्स को अगर मैं यूनिट से डिवाइड करा दूँ तो तब भी आवर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं 4000 यूनिट्स, ठीक है, 4000 यूनिट। अब इस 4000 यूनिट्स को और 1 घंटे में 50 यूनिट्स बनते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए थे 50 बाई साइकिल्स। तो अब मुझे आर्स चाहिए यहाँ पे ना, आर्स। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाए और आर्स बच जाए मेरे पास, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कैंसिल नहीं होंगे, इसको अगर मैं 50 को यहाँ लाके डिवाइड करा दूंगा, 4000 डिवाइड बाई 50 तो मेरे पास आर्स आ जाएंगे। तो 4000 को मैं डिवाइड अगर करता हूँ 50 से तो आर्स आ गए 80। तो यहाँ जो यूनिट्स को यूनिट्स से डिवाइड कर लिखा हुआ है वो यही है कि 4000 यूनिट्स को 50 यूनिट्स पर आवर से डिवाइड कराया तो बचा क्या, यूनिट से यूनिट्स कट जाएंगे और 80 आवर्स आ जाएगी अमाउंट। अच्छा, इसको मैंने आवर सेव्ड की जगह लिख दिया हुआ है, इसको उठा के ये एक्चुअल आवर्स की जगह आएंगे। अच्छा, फिर एक्सपेक्टेड आवर्स फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड आवर्स का मैंने जैसे अभी ये समझाया कि 4000 यूनिट्स को मैं डिवाइड कराऊंगा 50 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 50 यूनिट बनते हैं, तो यूनिट्स को मैंने यूनिट से डिवाइड कराया तो बचेगा क्या, आवर्स। यही यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई थी, और यही चीज मैंने ये इधर भी लिखी है कि यूनिट्स को यूनिट से डिवाइड कराने। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन जो है वो 4500 यूनिट्स बनाए हैं, 4500, और 1 घंटे में 50 बाई साइकिल बन जाती हैं। यहाँ पे भी कितने यूनिट्स बने हैं, 4600, और 1 घंटे में 50 बाई साइकिल बन जाती हैं, तो 92 आवर्स टोटल आवर्स ऐड कर लेते हैं, 262 आवर्स हो गए। तो एक्सपेक्टेड आवर्स भी आ गए 262, यहाँ रख लेते हैं इनको, एक्सपेक्टेड आवर्स भी आ गए, एक्चुअल आवर्स भी आ गए। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो एक्सपेक्टेड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स को माइनस करूँ तो आवर्स सेव्ड आ गए 22, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 22 घंटे सेव करने का क्या मतलब हुआ कि 262 आवर्स वाला काम बंदे ने 240 घंटों में कर दिया, तो 22 घंटे बचा लिए कंपनी के। तो इस 22 घंटों पे कंपनी जो है इसको बोनस देगी। यहाँ पे दोबारा अगर हर इंडिविजुअल बोनस को कैलकुलेट करें तो 80 घंटों वाला काम 80 घंटों में किया, यहाँ तो कोई आवर्स सेव नहीं हुए। यहाँ पे 90 घंटे वाला काम 80 घंटे में कर दिया तो 10 घंटे सेव कर दिए। यहाँ पे क्या हुआ, 92 आवर्स वाला काम 80 आवर्स में कर दिया तो यहाँ पे 12 घंटे सेव कर दिए। और टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल भाई 22 जो अभी ऊपर भी कैलकुलेट किए, ये टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया था इन दोनों का डिफरेंस लेके, और ये इंडिविजुअल डेज का कैलकुलेट हो गया, मंडे का अलग, ट्यूजडे का अलग, वेडनेसडे का अलग। तो आवर्स सेव्ड भी आ गए हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक वेजेस में जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं वो आते हैं, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, अभी हमने फाइंड किए थे एक्चुअल आवर्स 240, जो कि यहाँ पे भी रखे हैं, एक्चुअल आवर्स हैं 240। रेट जो है वो है द कंपनी एम्प्लॉयज 10 वर्कर्स 8 ओवर शिफ्ट, और 100 पर आवर का रेट है, 100 पर आवर का रेट है। तो 240 इंटू 100 करेंगे तो अमाउंट आ गई 24000 की।
तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग करने का कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, ओवर टाइम के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ तो हम भी नहीं करेंगे। सिर्फ ये सारी चीजें लिखी हुई इसलिए थी कि ये सब भी आ सकता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं आया हुआ, क्या पता पेपर में क्वेश्चन आए तो उसमें ओवर टाइम भी आ जाए, तो इसलिए वो ओवर टाइम यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अच्छा, आर सेव्ड जो हमने फाइंड किए हैं वो है 22, और अब रेट क्या है? रेट के लिए बताया हुआ है कि प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक अंडर 100% बोनस प्लान दे रहे हैं, मतलब जो रेट है वो ही 100 का, अगर मैं 100% लूँ तो 100 ही आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कराऊं 22 को 100 से, तो 2200 का हमारे पास बोनस आ गया टोटल। अब अगर टोटल अमाउंट को भी कैलकुलेट कर लें कितनी है, एक 2200 वाली और 24,000 वाली, टोटल आ गई 26,200। अब एक चीज तो ये हो गई कि कैलकुलेट एम्प्लॉयज अर्निंग बाय शोइंग टोटल लेबर, ठीक है, ये टोटल लेबर करके एम्प्लॉयज अर्निंग कैलकुलेट कर ली। अब हमने यूनिट लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, तो यूनिट्स कितने बने हैं? अगर मैं इसको टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कराऊंगा तो पर यूनिट का मेरे पास रेट आ जाएगा। तो यूनिट्स बने हैं 4,000, 4,500 और 4,600, 4,000, 4,500, 4,600। तो टोटल अमाउंट को अगर मैं यूनिट से डिवाइड कराऊं तो 2 पर यूनिट की मेरे पास रेट भी आ गया। तो ये हो गई एक ओवरऑल। अगर डेली को लेके चलें, डेली से मुराद है, अगर डेली से मुराद है कि अगर मैं डेली बोनस को फाइंड करूं, यहाँ पे तो मैंने टोटल बोनस रख दिया ना, 22 आवर रखे, 100 से मल्टीप्लाई करके 2200 आ गया। अब यही 2200 को मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने कितने अलग अलग दिन आए, तो यहाँ पे तो कोई घंटा सेव नहीं हुआ, ठीक है। बेशक रेट 100 का है, तो 100 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 0 ही आ जाएगा। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि रेट जो है वो 100 का है, क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने 10 घंटे सेव किए हैं और हर घंटे के 100 रुपये मिलेंगे, तो 1,000 रुपये बोनस मिल जाएगा। वेडनेसडे वाले दिन 12 घंटे सेव किए हैं, हर घंटे के 100 रुपये मिलेंगे, तो 1,200 हो जाएगा। और अगर मैं टोटल करूँ तो वही 2200 की अमाउंट हो जाएगी जो कि मैंने टोटल में फाइंड की थी 2200 की। अच्छा, अब बोनस भी हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स भी हो गए। अब ये जो बेसिक पेजेस थी 24,000 की, इसको भी मैं अगर हर दिन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, ये तो तीनों की हमने कैलकुलेट कर ली थी ना, अगर इसको हर दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें बेसिक वेजेस को, तो कैसे आएंगी? यहाँ पे एक्चुअल घंटे 80 घंटे काम हुआ, ठीक है, और 100 का रेट है तो 8,000 आ गया। ये 80 घंटे एक्चुअल आवर्स, जैसे हमने यहाँ पे टोटल एक्चुअल आवर्स 240 रख दिए थे जो कि ये आए थे 240, तो ये तीनों दिन का एक साथ ही कैलकुलेट कर लिया था। मैं अलग अलग कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। 80 घंटे 100 से मल्टीप्लाई 8,000, यहाँ पे भी 80 घंटे हैं, 100 का रेट है, और यहाँ पे भी 80 आवर्स इंटू 100 का रेट, तो टोटल अमाउंट तो वहीं हम पहुंच जाएंगे, बस कैलकुलेट दिन के हिसाब से कर रहे हैं, 24,000 आ गई। अब ये हमारा आंसर हो गया, आंसर तो यही हो गया था, बस इसको मैं प्रेजेंट ऐसे करके दिखाया कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से हर अलग अलग चीज मैं फाइंड, मतलब क्वेश्चन में क्लिक करनी हो तो वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि पेपर में किस तरह से पैटर्न आया हुआ होता है और किस तरह से वहां पे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऊपर ले आते हैं। अब मैं एक एक चीज को कंपेयर कराता हूँ और बताता हूँ कि पेपर में किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले ये वर्किंग कर लेंगे पेपर में, जो पेज दिया हुआ होता है उस पर वर्किंग हो जाएगी, सारे फिगर्स आ जाएंगे हमारे पास, फिर अमाउंट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला कॉलम आया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन का, तो एक्चुअल प्रोडक्शन में यहाँ क्लिक दिया हुआ होगा, क्लिक करेंगे तो अमाउंट्स आ जाएंगी या लिखनी होंगी, यहाँ पे हमें टाइप करनी होगी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? वो है 4,000, 4,500 और 4,600। यूनिट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो ये हुए हैं, 4,000, 4,500 और 4,600, ये क्वेश्चन से आ गया। फिर बताया हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, ये हमने निकाले स्टैंडर्ड आवर्स, एक्सपेक्टेड आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स दोनों सेम ही चीजें होती हैं। फॉर एक्चुअल आउटपुट 80, 90 और 92, 80, 90 और 92। फिर एक्चुअल आवर्स फाइंड करने का उन्होंने कहा है, तो एक्चुअल आवर्स में 80, 80, 80
80 80 80 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह से आ गया। फिर टाइम सेव्ड पूछा भाई, तो टाइम सेव्ड हमारा क्या आया था, 0 10 12, 0 10 12। फिर बेसिक वेजेस पूछी गई है, बेसिक वेजेस आई है 8000 8000 8000, तीनों जगह 8000। फिर बोनस पूछा हुआ तो बोनस आया हमारे पास 0 1000 1200, 0 1000 1200। फिर टोटल अर्निंग बस ये ऊपर से ही एड अप किया हुआ है, जिसमें अगर यहाँ पे कर भी दूँ, टोटल अगर कर दूं तो यहाँ पे बेसिक प्लस बोनस ये तो 8000 ही आ जाएगा, यहाँ पे बेसिक प्लस बोनस और यहाँ पे भी बेसिक प्लस बोनस, तो 8000 9000 9200, टोटल अर्निंग कितनी हो गई, 8000 9000 और 9200। ठीक है, और फिर पर यूनिट का रेट 2 ही आ रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने फाइंड किया था पर यूनिट का रेट 2। तो अगर मैं इन सबको यूनिट से डिवाइड करा दूं, यूनिट्स हैं 4000, यहाँ पे यूनिट्स हैं 4500 और यहाँ पे यूनिट्स हैं 4600, ये दिए हुए क्वेश्चन में टोटल यूनिट्स। तो पर यूनिट यहाँ पे हमने टोटल फाइंड कर लिया था, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से, यहाँ पे हर दिन के हिसाब से फाइंड कर लेते हैं। पर यूनिट कैसे आएगी, 8000 को डिवाइड करा देते हैं यूनिट से, यहाँ पे 9000 को डिवाइड करा देते हैं यूनिट से, और यहाँ पे 9200 को डिवाइड करा देते हैं 4600 से, तो 222 ही पर यूनिट की अमाउंट आ रही है, यहाँ पे हमने पर यूनिट की अमाउंट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, वो ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इसको, थोड़ा मैंने वीडियो डिटेल करके इसलिए समझाई है कि अभी पेपर तो नहीं दे रहे ना, कौन सा जल्दी है, तो अच्छे तरीके से इसको समझ लें, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं उठ के आएगा पेपर में, फिगर्स चेंज होंगी, बस ये है कि पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने करना है, ये भी पता होना चाहिए कि पेपर पे किस तरह से सॉल्व करना है, और ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे फिगर्स किस तरीके से रखनी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, अगर कोई इशू आए, कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं।